हेलो दोस्तों, टेलीस्कोप में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कार्ट्रिज, इंक कार्ट्रिज कैसे रिफिल किया जाता है। एचपी 818 आप देख सकते हैं। पहले हम देखेंगे कलर कार्ट्रिज कैसे रिफिल किया जाता है। टेप की सहायता से निकाल रहा हूँ ताकि इसका गम लगा रहे इससे। इसमें 5 होल है, इसमें चेक करना है कौन सा कलर कौन से होल में है। ठीक है, ये ब्लू कलर का शेड देख रहे हो, इस होल में ब्लू इंक जाएगा। यहां पे देख सकते हो रेड इंक आ रहा है। और यहां पे येलो, ब्लू रेड येलो। सबसे पहले हम येलो इंक डालते हैं। ज्यादा अंदर नहीं डालना है नीडल को, इसकी कैपेसिटी 3 ml है तो हम 3 ml देख के डालेंगे। अभी रेडिंग डालेंगे। कार्ट्रिज ड्राई होने के कारण इंक प्रॉपरली आ नहीं रहा है, थोड़ा इसको क्लीन कर सकते हैं। हम क्लीनर दे दें, अब देख सकते हैं कुछ देर के बाद इंक फ्लो शुरू हो गया है। इसमें चेक करते हैं इंक आ रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं तीनों कलर अपने फ्लो होना शुरू हो गए। अभी हम ब्लैक कार्ट्रिज रिफिल करने का देखते हैं। ब्लैक कार्ट्रिज में ऐसा है, होल है इसके नीचे, उनको ऊपर से लोकेट करना है। ठीक है, ये ज्यादातर कार्ट्रिज में यहाँ ऊपर की साइड में होल होता है। ठीक है, यहाँ पुश कीजिए, अगर नहीं है ये आपका होल, ज़्यादा अंदर तक नहीं डालना है। जैसे देख रहे हैं एचपी 818 कार्ट्रिज है, इसकी कैपेसिटी है 10 ml की, तो हम 10 ml डालेंगे इसमें। थोड़ा थोड़ा इंक आ रहा है, ये भी ड्राई हुआ है, इसमें क्लीनर डालेंगे थोड़ा। थोड़ी देर रखते हैं इसको क्लीन होने के लिए। देखेंगे लोग चालू हुआ कि नहीं, बहुत आए तो हम टाइम होल्डर की मदद से इनका अपलोड चालू करेंगे। इसको इसमें पुश करना है ऐसे नीचे से, प्रेशर से धीरे धीरे खींचना। देख सकते हैं इंक और एयर दोनों आ रहा है।
एक आया काफ़ी मात्रा में, वो भी चालू। ये आसान सा प्रोसीजर है, बस इतना ही करना है आपको और आपका कार्ट्रिज रिफिल हो गया। जहाँ पे होल किया था वहाँ से हम छोटा सा टेप लगा देंगे ताकि लीकेज का प्रॉब्लम ना हो, एक फैल ना जाए। ये आपके दोनों कार्ट्रिज रिफिल हो चुके हैं, स्टिकर लगाना बाकी है। लग गया, अभी आप आपके प्रिंटर में डाल के ये यूज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।